नमस्कार, आप कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो दोस्त हैं। जी हाँ, जी जय और वीरू जैसी इनकी जोड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ट्रेन में इस तरह से ही घूमते हैं और इस तरह से इनका कहना है कि इनको मजा आ रहा था। जी हाँ, सोनीपत पे जो है यहाँ पर एक भाई है, उन्होंने इनको यहाँ पर अपने साथ लेकर आए कि कहीं कोई इन बच्चों का जो है मिस यूज ना कर ले। आपको बताना चाहूंगी दोनों जो है ये छोटे छोटे बच्चे, महज 7 से 8 जो है इनकी उम्र होगी और दोनों दोस्त है, एक ही गांव के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। इसी तरह से ट्रेन में घूमते हैं। आपको पता है आजकल का जो है माहौल किस तरह का होता है और किस तरह से जो बच्चों का मिसयूज किया जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बच्चों के साथ क्या कुछ जो है बुरा हो सकता था। तो यहाँ पर हमारे साथ करनाल से हमारे जो है गुरजन जी हैं, ये भी आपने बहुत बार इनको देखा होगा, हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं वो भी। और यहाँ पर जिन्होंने सोनीपत स्टेशन से जिस ट्रेन में वो जा रहे थे इनको ये बच्चे मिलते हैं, ये इनसे पूछताछ करते हैं और करनाल अपने साथ जो है सुरक्षित इन बच्चों को लेकर आते हैं। मैं इन बच्चों से भी बातचीत करूंगी कि आखिर ये दोनों बच्चे अपना घर छोड़कर इस तरह से ट्रेनों में क्यों घूमते हैं और ट्रेनों में ही क्यों सफर करते हैं, क्या इनको मजा आता है या क्या कुछ है। बेटे आपका नाम क्या है? देव। देव, क्या उम्र है? 10 साल। 10 साल। तो ट्रेन में कैसे आए अकेले? बताओ बेटे, बोल के बता कैसे आए बेटा? कैसे आए, मतलब घर से अकेले आए थे, किसी के साथ आए थे? क्या हुआ था? कुछ हुआ था घर पे? बता बता देवे, किसके साथ आया था? आपके साथ आए थे? क्या हुआ था? क्या हुआ था घर से, कैसे निकले? मतलब उसने एक छोरा लेकर आया था मुझे। अच्छा, यह घर चले गया, आ रही हो यहाँ छोड़े आए मुझे। वो अपने घर चला गया था? हाँ। तुम दोनों ट्रेन में आए, ट्रेन में क्या कर रहे थे? हाँ, घर जा रहे थे, फिर ना ट्रेन को देखे थे, घर ट्रेन को ना मिली, फिर भी वाली ट्रेन पकड़ ली। अच्छा, फिर ये भाई मिला। 3-4 दिन से ट्रेन में थे, क्या कर रहे थे? हैं, 3-4 दिन से ट्रेन में क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। क्यों? हैं, क्यों? मजा आ रहा था। भीख मांग रहे थे? हाँ। और रोटी खाई थी 3 दिन से? हाँ। किसी है? ने कहा था ये सब करने को? किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से। क्यों, किससे सीखा था कुछ? कैसे पता चला भीख मिलती है? एक आदमी छोरा मांगने लग रहा था बस में। अच्छा, उसको देख के मांगने लगे? हाँ। तो फिर घर जाने का मन नहीं हुआ बीच में कि घर चल जाएं, किसी को बताएं कुछ कि हमें घर जाना है? रास्ता ही नहीं ना, ये ट्रेन ही ना आई घर की, जोड़े की घर की ट्रेन नहीं आई ना। कुछ रात कहाँ पे रहते थे, सोते कैसे थे? ट्रेन में ही सो जाते थे। तो रहने वाले कहाँ के हो? हम बिहार के, मैं बिहार का, ये यूपी का। अच्छा, नाम क्या है? सलमान खान। और उम्र क्या है? 10। 10 साल। तो दोनों दोस्त हो, पक्के वाले? हाँ। दोस्त हो है? हाँ। एक साथ निकले हो घर से? बताया घर पे, बता के आए थे। तो घर पे मम्मी को चिंता नहीं हो रही होगी? और आप घर जाना चाहते हो अभी? भागे क्यों थे, क्या बात हुई थी, घर से क्यों निकले थे, क्यों भागे थे बेटा घर? तो एक बार जो है हम इनसे बातचीत करेंगे जो इनको यहाँ पर लेकर आए कि आखिर इनको ये बच्चे जो है कैसे मिले और क्या कुछ जो है पूरा उस समय वाक्य हुआ। सर, आपका नाम क्या है और आप? हाँ जी, मेरा नाम प्रवीण खत्री और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहाँ पे करनाल में आइल्स की कोचिंग लेता हूँ। तो कल रात को जैसे मैं करनाल की तरफ आ रहा था ट्रेन में, तो सोनीपत के पास मेरे को ये ट्रेन में मिले और काफ़ी ख़राब हालत में थे, ये बदबू आ रही थी। तो इन्होंने बोला कि भैया ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी, तो मैं बोला कि कुरुक्षेत्र। तो ये बोला कि हम तो पानीपत उतरेंगे। मैं बोला पानीपत क्या करोगे? बोले कि नहीं, जहाँ पे ट्रेन जाएगी वहाँ पे जाएंगे। मैं बोला कि वहाँ पे क्या करोगे, घर कहाँ तुम्हारा? तो बोले नहीं है। मैं बोला तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह? बोले वो मर गए। तो मगर भूख नहीं लगती, तो बोला कि हाँ मेरे पास 11 रुपये और मांग के खा लेता हूँ। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, गुरजंट भाई को, कि ऐसे ऐसे भाई दो बच्चे हैं और अनाथ है, तो क्या करें? भैया बोले कि लेके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनको मनाया, कैसे कैसे करके मना कर रहे थे आने के लिए, क्योंकि इनको मज़ा आ रहा था भीख मांगने में। तो मैं लेके आया इनको जैसे तैसे। तो रात को इनकी टी शर्ट थी देव की, उसमें इसका स्कूल का एड्रेस वगैरह था। तो मैंने सुबह गूगल मैप पर ट्राई किया, नंबर मिला मुझे एक दुकान का, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे दो बच्चे हैं, क्या आप जानते हो? तो उन्होंने वेरीफाई करके बताया कि भाई हमारे गांव के लड़के हैं। तो
तो उसके पेरेंट्स को मेरा नंबर दे दिया, उनका कॉल वगैरह आया, इनकी बात वगैरह करवा दी मैंने, वीडियो कॉल पे बात करवा दी। तो अभी इनके मामा जी आए थे, वो भी काम से गए हैं वेरीफाई करके कि हाँ भाई मेरे हमारे बच्चे ठीक है, सेफ है। तो हमने उनको बोल दिया था कि अगर जो भी आएगा इसके पेरेंट्स वगैरह, तो मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, अनदर नहीं आए, क्योंकि हम देंगे नहीं, वेरीफाई करके ही देंगे। तो क्या लगता है इनके साथ छोटे बच्चे हैं, बहुत गलत हो सकता था कुछ? हाँ, काफ़ी गलत हो सकता था, क्योंकि आजकल ये मार्केट हो गई है, मतलब पैसा कमाने का जरिया है, किडनी वगैरह बेच देता कोई, मिसयूज़ कर लेता इनका, और हाथ पैर कटवा के मतलब बीफ वगैरह मंगवा देते हैं। तो हमने इनको साथ में लाना ही अच्छा समझा, हमने ये सोचा था कि अगर कोई नहीं भी मिलेगा इसका पेरेंट्स, तो हम इसका पालन पोषण करेंगे। अच्छा, तो इनके पेरेंट्स आ रहे हैं अभी इनको लेने? हाँ, अभी इनके पेरेंट्स आ रहे हैं, अभी करीबन एक घंटे के अंदर वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि महज जो है छोटे छोटे से बच्चे हैं, और अब मैं बात करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर हर जो है व्यक्ति अपनी इस तरह से जिम्मेदारी निभाता है, तो बहुत कम जो है बच्चों को किडनैपिंग के मामले बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। कई बार चीज का जो है लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है, चॉकलेट टॉफी का जो है लालच दिया जाता है, और ये बच्चे तो खुद ही जो है मौज मस्ती करते हुए घर से निकल गए। और आखिर किस तरह से जो अब ये है एक सेफ हाथों में है, यहाँ पर आराम से जो है रात है यहीं पर मौजूद है करनाल में, एक बार मैं इनसे ही बातचीत करना चाहूंगी। सर, आपको कैसे जानकारी लगी इस बात की? एक्चुअली ये जो भाई ने आपसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हमारे घर पे ही रहते हैं, तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये मेरे फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, तो ये अपने घर पे गए हुए थे दिल्ली में, तो वापसी में आते हुए तो इन्होंने इनको ट्रेन में मिले, तो इन्होंने मेरे से कन्फर्म करा, तो मैंने बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन, तो कह रहा भैया मैं यहाँ पे कहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाऊँगा, वहीं पे करवा लेंगे। तो फिर ये रात ले आए, रात फिर इनसे पूछताछ करते रहे, इन्हें नढ़ाया खिलाया फिलाया आराम से। तो फिर सुबह जाके इनको इनका पता लगा, कुछ जो भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इनके परिवार तक पहुंची है, उसके पता नहीं है, अभी पक्का नहीं पता है, वो जैसे कि बिहार से बताता है बार बार, शुरू से बिहार से ही बोल रहा है। तो अभी इनके मामा आए थे जो रिलेशन में है, दूर से हैं पक्के, अभी रियल मामा नहीं है, तो वो आए थे, वो इन्हें वेरीफाई कर गए हैं और वो चले गए हैं, और इसके फादर साहब आ रहे हैं, और वहाँ से जो प्रशासन की कॉल भी आई थी सोनीपत से और अपने करनाल से भी, तो उन्होंने बात की कि आप अपने पास रखना, हम इनको ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, हम अपने पास रखेंगे, बाकी ये सेफ़ है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा फैमिली को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं से निकल के चला जाता, पता ही नहीं लगता। ये बच्चे अपने कॉल पे मना कर रहे हैं कि हमारी माता नहीं है, तू अपनी माँ को कह रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, ये फ़ोन पे कॉल पे कह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कोई बात है ज़रूर जो कि ये बच्चे अलग हुए माँ बाप से। लड़ाई वगैरह भी थी घर से कैसे? हाँ, वो ये लड़का जो दूसरा है सलमान खान, ये बोलता है कि मेरी मम्मी पीटती है और पापा ही पीटते हैं, इसलिए मैं घर से आया हूँ। अगली बात परमात्मा जानता है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो ये इनकी स्थिति है, बाकी अब ठीक है यहाँ पे। तो अभी पुलिस वेरिफिकेशन होगी? हाँ जी, वो पुलिस वेरिफिकेशन होगी है। तो दूसरा नंबर है कि हमने उनकी फैमिली को जो इन्फॉर्म किया था कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तो हम तभी बच्चे देंगे, नहीं तो हम बच्चे नहीं देंगे। तो अगर नहीं बच्चे ले जाओगे तो आप रखोगे बच्चों को? हाँ जी, आप बच्चों को रखना चाहते? हाँ रख लेंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ ये पढ़ जाएंगे, दो रोटी हम खा रहे हैं, दो ये खाते रहेंगे, और क्या, इसलिए तो मंगवाया था। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है समाज सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं, आप अब भी जो है ये बच्चों को रखने को तैयार हैं। आप लोग यहाँ पर खुश हो? हाँ, खुश हो आप? खुश हो यहाँ पर? हाँ, आप तो कुछ ज्यादा खुश हो। घर जाना है? घर जाना है ना? हाँ। खाना खुना खा लिया? खाना मेरा भाई है चट्टा, और मेरी बहन है, और दो मेरे भाई काम कर रहे हैं, अरे मम्मी और मेरे पापा और मैं बस। कब निकले थे घर से? हाँ, परसों। चार दिन उन्होंने हो रहे आज। चार दिन? तो घर पे क्या कुछ मम्मी डांटती है इसलिए आए हो? डांटा था मेरे पापा दारू पी बैच। अच्छा, और मारे तेरे? हाँ। आपको भी कुछ दिक्कत है घर पे? मम्मी ने बोला कुछ? आधी खाओ भाई। पापा ने बोला? कोई नहीं, मारे मेरे पापा। मारते हैं पापा? है शराब वगैरह पीते हैं? पीवे है। फिर तू क्यों बच जा करते? सलमान ले आया इन्हें तो ना। इनके साथ दोस्त के साथ आए हो? तो
तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के बच्चों की है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि पेरेंट्स जो थोड़ा बहुत डांट देते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो जो सलमान है कि थोड़ा सा फिज़िकली भी जो है कहीं ना कहीं उसको दिक्कत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के जो बच्चों की है बहुत ज़्यादा चोरी, जब चोरी करने या फिर आप कह सकते हैं कि भीख मांगने में बहुत ज़्यादा यूज़ जो है किया जाता है इस तरह से बच्चों को। अगर आपको भी कहीं लगता है कि इस तरह से बच्चे हैं और इस तरह से भीख मांग रहे हैं, तो प्लीज जो है पुलिस को कांटेक्ट करें या आसपास किसी को भी जो है जरूर बताएं। तो मैं सभी से एक बार अपील करूंगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आज जो है अगर ये लोग यहां पर ना होते तो शायद ये बच्चे पता नहीं कहां चले जाते, दिल्ली जैसे इलाके में चले जाते, और दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि वहां पर किसी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अभी तो ये करनाल में है और करनाल में जिस तरह से इनकी पहचान भी हो गई है, मम्मी पापा भी जो है जल्दी आ जाएंगे, इनको ले जाएंगे। तो सभी से अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।